आज मौसम इस प्रकार बना हुआ है, देखिए बारिश लगी है ज़ोर से, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। ये देखिए मेरी मौसी का बेटा है, ये इतनी बारिश में भी दुकान में जा रहा है, देखो ऊपर में इसका स्वास्थ्य खराब है। पहले से तो बहुत अच्छा था, पतला दुबला, अब ये काला पीलिया हुआ तब से बहुत तबीयत खराब हुई इसकी। अब इतना संघर्ष करता है फिर भी ऐसे वो ऊपर में जाता है, दिन भर दुकान चलाता है अपना, क्योंकि परिवार पालना ज़रूरी है। एक माँ है, दो तीन बच्चे हैं, एक की तो शादी हो गई, दो और हैं, ऐसे जाता है दिन भर दुकान में बैठे रहता है ये। हम जा रहे हैं देवाल के लिए, बैग तैयार हो रहा है, रंजना लगा रही है बैग में सामान रख के, चैन बंद कर रही है ये बैग। जब हम ससुराल से आते हैं तब भी डेली पूजन करते हैं, डेली में चावल डालते हैं, और जब ससुराल को जाते हैं तब भी डेली का पूजन करते हैं, ये पहाड़ों का रिवाज है। अभी मैं देवी भेटने को नहीं गई, देवी पूजन डेली पूज रही हूँ। ये हमारे गंगनाथ जी का मंदिर है, ये गंगनाथ जी हमारे कुलदेवता, बताया था मैंने आपको परसों, मैं जब भी आती जाती हूँ इनसे मिल भी जाती हूँ। साई लोगों का घर है, उनका भी दिल पूजन कर रही हूँ मैं जाते समय। ये देखिए भास्कर का ये अगरबत्ती का जो व्यापार है वो दिव्य ज्योति के नाम से है, इतने अगरबत्तियाँ पैकिंग हो रही है घर में, ये पैकिंग कर रहा है प्रियांशु। प्रियांशु अब मैं तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ। बाय जिमी, बाय। देखो गाइस बुआ फूफाजी आने लग गए अपने घर, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ बुआ के फ़ोन से। हम बुआ और फूफाजी को छोड़ने जा रहे हैं नीचे तक। ये देखो जिमी यहाँ से रोने लग गया, बाय जिमी, रो मत, तो बाय रॉकी, बाय। अभी आ रहे हैं हम नीचे रोड तक छोड़ने जाएंगे। बैठ चुके हैं हम गाड़ी में,
आपको मिलता हूँ। देखे बंदरों ने लाइट का या मेन स्विच भी गिरा के नीचे फेंका हुआ है। इतने दिन हम घर में नहीं थे तो यहाँ सारा बंदरों ने आतंक कर रखा है। मेरे लेमन ग्रास के पेड़ सारे तोड़ दिए बंदरों ने। ज़्यादा बारिश की वजह से पूरा मकान टूट गया है हमारा। ये पुराना वाला था ये मकान, ये पूरा टूट के अंदर चले गया है। यहाँ से भी पूरा अंदर गया है ये। इतने दिनों में सारा रास्ता गंदा हुआ है और बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया है यहाँ पर, पोटी करके जगह जगह में। हमारे यहाँ नहीं रहने से इतना नुकसान कर दिया बंदरों ने। फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। घर पहुँचने के बाद दिखाया मैंने आपको कि बंदरों ने कितना नुकसान कर रखा करके। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी ईजा ने क्या क्या रखा था वहाँ से। देखो, एक डब्बे में घी रखा है और इसमें बोतल में दूध है और इसमें मट्ठा है और भी इसमें सामान है ये जो भी होगा। और एक फूल का पेड़ लाई हूँ मैं ये वहाँ से। ऐसे में पीला फूल तो हमारे घर में है पर ये सफ़ेद कलर का है, इसलिए ये फूल भी लाई हूँ वहाँ से। अपने गमले में लगाएंगे इसको शाम को। अब बनाती हूँ मैं खाना, देखते हैं क्या बनता है। रोटी बनाती हूँ या मैगी बनाती हूँ, जो भी होगा। अभी खाना बनाती हूँ बस, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमारी चाय भी बन चुकी है, अभी हम पीते हैं चाय, गुड़ का कटका और चाय। कि शाम के 5 बज चुके हैं। यहाँ पर मौसम इस प्रकार बना हुआ है, बादल लगे हैं, गर्मी नहीं हो रही है यहाँ पर देवाल में। बागेश्वर में तो बहुत गर्मी हो रही थी, यहाँ पर गर्मी नहीं हो रही है। अभी दिन में मैं सोई तो मुझे बहुत ठंडा लगा। हमने चाय भी पी दी है। फूल भी लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि कल से निकाला था ये फूल, अब ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लगा देती हूँ एक गमले में एक गमले में दूसरी जगह लगाऊंगी। ये वाला मैंने लगा दिया।
अब करते हैं शाम की सब्जी की तैयारी। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।